वापी खाते अषाढ़ी बीज निमित्ते भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा काढ़वामां आवी हती। वापी खाते भगवान जगन्नाथ बलराम अने बहन सुभद्रा ने निकलेली रथ यात्रा में भाविक भक्तों रथ खेंची धार्मिकता लाभ लीधो हतो। रथयात्रा में राज्यना नाणामंत्री कनुभाई देसाईए पण जोड़ाए पूजा अर्चना करी हती ने बे वर्ष बाद निकलेली आ रथयात्रा में हजारों की संख्या में भाविक भक्तों जोड़ाया हता। अपना प्राचीन भारत में अनादिकाल थी एक सांस्कृतिक वारसो चाली आवे छे अने विविधता में एकता ए अपना भारत देश की खासियत है। त्यारे जगन्नाथ जी की यात्रा जे भगवान लोकोने भक्तोने मळवा माटे नगर चर्चाए निकले छे एनो एक अनोखो आनंद दरेक भक्त में जोवा मळे छे अने समग्र गुजरात में नहीं भारत में नहीं परंतु वलसाड जेवा शहर में पण 4-5 जग्याए आवी सुंदर जगन्नाथ जी की यात्रा निकली अने लोकोए नाति जाति धर्म प्रदेश के बधा प्रदेशना लोको पण वापी खाते वसे छे अने बधाए जे रीते आमां भाग लीधो छे ए सामाजिक एकतानुं एक मोटुं उदाहरण छे अने आपणे सौ नागरिकोने अने भक्तजनोने अभिनंदन आपीए के आपणा भारतमां एक समरसता छे ए जळवाई रहे अने एना माटे शुभेच्छा आपुं छुं। ખાસ કરીને વાપીથી તાપી તેમજ સમગ્ર ભારત વર્ષ પર ભગવાનના આશીર્વાદ છે જ અને એટલા માટે જ કોરોનાના મહાકાળ દરમિયાન પણ આપણા દેશને સૌથી ઓછામાં ઓછું નુકસાન થયું છે એટલે ભગવાનના આશીર્વાદ થકી જ આપણા દેશની ઘણી બધી સલામતી જળવાઈ રહે છે। મેં એ જ કીધું કે આપણો દેશ સમરસતામાં માને છે આ અન્નકૂટ એ સ્વામિનારાયણ પરિવારના સભ્યો મોટે ભાગે રાખે છે પરંતુ આજે જોઈને એકદમ આનંદ થયો કે દરેક ઘરના લોકો આ કૂટ માટે પોતપોતાની વાનગી અને લઈને આવ્યા એ પણ એક સારું ઉદાહરણ છે એકતા માટે। મેરા નામ હે કમલોચન દાસ, મેં ઇસ્કોન વાપી કા અધ્યક્ષ હું। ये इस्कॉन के अनेकों अनेकों केंद्र है, पूरा विश्व भर में करीबन 1500 केंद्र है और भारत में करीबन 400 केंद्र हैं। उनमें से एक केंद्र वापी में है, कोपरली में है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा है और उसके उपलक्ष्य में बड़ा भव्य रथ यात्रा कार्यक्रम हो रहा है। जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण हैं और अपने भाई बलराम के साथ में बहन सुभद्रा के साथ रथ के ऊपर आरूढ़ होकर पूरा वापी के शहर में भ्रमण करते हुए जो रोज़ मंदिर नहीं आ पाते उनको दर्शन देंगे। आज के दिन ऐसा कहा गया है कि जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण और अत्यंत कृपालु हो जाते हैं। वैसे तो कृपालु है ही, लेकिन आज के दिन जो सभी को अपना प्रेम बांटने के लिए निकले हैं हरिनाम संकीर्तन के द्वारा सही भक्त जगन्नाथ जी को खींचते हुए जगन्नाथ जी यानी कृष्ण के ऐश्वर्य भाव से माधुरी भाव के ऊपर अपने हृदय में स्थापना करने के लिए कीर्तन करते हुए हम रास्ते पर भी निकलेंगे। और उसके पहले जगन्नाथ जी को इधर 56 भोग लगा हुआ है और करीबन 3000 भक्तों ने अपने अपने घरों में बड़े प्रेम के साथ जगन्नाथ जी को आज अर्पण किए। वैसे जो भोग जगन्नाथ जी को अर्पण होता है जो मंदिर में पुजारी होते हैं वही बना के अर्पण करते हैं। आज के जगन्नाथ जी जो है हर व्यक्ति के हाथ से भोजन स्वीकार करते हैं। क्या चीज़ कितनी टाइप की वनगी नंबर आइटम? हाँ मैंने 3000 से ज़्यादा है। हमने सोचा कि 2022 करेंगे, अभी 3000 से ऊपर हो गया। ये जगन्नाथ जी विशेष लीला है, ये खास करके जगन्नाथ महाप्रसाद जो है वो बहुत विशेष माना गया है। कलयुग का भगवान है जगन्नाथ जी। चार धाम है, जैसे द्वारका जो है वो द्वापर युग का धाम है और त्रेता युग का रामेश्वर है और सतयुग का कौन सा है? बद्रीनाथ है। कलयुग का धाम कौन सा है? जगन्नाथपुरी है। क्योंकि कलयुग में सब लोग अन्न के पीछे है, अन्न चाहिए अन्न चाहिए, तो भगवान ने सोचा कि मैं अपना कृपा को अन्न में रखूँगा। जगन्नाथ बाकी सब जगह प्रसाद कहा जाता है लेकिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कहा जाता है। जगन्नाथ प्रसाद जो है, वैसे जगन्नाथ मंदिर में गए भगवान का जगन्नाथ दर्शन नहीं किया, प्रसाद लिया तो दर्शन के समान है। अगर मान लो कि आपने दर्शन किया प्रसाद नहीं लिया तो दर्शन का फल भी प्राप्त नहीं होगा। ये जगन्नाथ जी का भोग का विशेषता है। खास करके जगन्नाथ जी सारे जगत के नाथ, की खाली उड़ीसा के नाथ नहीं, खाली पुरी के नाथ नहीं है, सारे जगत के नाथ है। वो भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अनेकों स्वरूपों में सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है जिसके अंदर महाभाव प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गोपियों की विरह में रोते हुए स्वरूप है जगन्नाथ जी। खास करके आज की हमारी ये जो
यात्रा है, इस तरह से इसका आयोजन किया गया है, क्या रूप है और किसके द्वारा इसका प्रस्थान किया गया?